हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रेट एनालिसिस। आज हम बात करेंगे स्टील रिइंफोर्समेंट के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में कंक्रीट के बारे में बताऊंगा। स्टील रिइंफोर्समेंट ग्रेड 60 प्रोवाइडिंग कटिंग बेंडिंग फिक्सिंग एंड प्लेसिंग इन पोजीशन स्ट्रेट और कर्व डिफॉर्म स्टील बार रिइंफोर्समेंट मेड ऑफ बिलेट्स having minimum yield strength 60,000 psi including binding wire, steel chair, wasted spacers and those overlap which are not showing on drawings, complete in all respect as per drawing and specifications and as per the direction of engineers. Unit 1 kg का हम rate निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मटेरियल के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है स्टील 60 ग्रेड, यूनिट जो है वो मैट्रिक टन है, क्वांटिटी जो है 1 टन, 1 टन के ऊपर हम वर्किंग करेंगे और इसका मैं रेट ले रहा हूँ 110,000। ये टाइम और प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। अब मैं साथ आपको बता देता हूँ कि 1,10,000 किस तरह आया है। पर केजी जो है उसका रेट अगर 110 रुपये है, 110 रुपीज़ है, तो एक टन में 1,000 केजी होते हैं। मल्टीप्लाई 1,000 के साथ करेंगे, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और रेट और क्वांटिटी को, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बाइंडिंग वायर पे। यूनिट उसका केजी है। बाइंडिंग वायर 1 टन के ऊपर 10 केजी में ले रहा हूँ और इसका जो रेट है 150 में कंसिडर कर रहा हूँ। ये चेंज हो सकता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ये अमाउंट आ गई है। अब इसका टोटल कर लेंगे, सम करेंगे, बाइंडिंग वायर और स्टील दोनों को सम कर लिया, ये हमारा टोटल आ गया है। नेक्स्ट जो है वो वेस्टेज है, परसेंटेज यूनिट इसका परसेंटेज है। जो अभी टोटल अमाउंट निकाला है उसका 3% ले रहा हूँ, ये 2 से 5% लिखते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। 3% ले रहा हूँ, जो टोटल अमाउंट आई है 1,11,500 पे, इसका 3% ले रहा हूँ और ये हमारी अमाउंट आ गई है 3,345,000। अब हम सब टोटल 1 करेंगे, जो हमारा मटेरियल स्टील और बाइंडिंग वायर का टोटल आया है प्लस वेस्टेज का जो आया है, दोनों को सम कर देंगे। सम करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आई है 1,14,845। नेक्स्ट बात करते हैं मैन पावर पे। लीड मैन, स्टील फिक्सर और हेल्पर। लीड मैन यूनिट है आवर्स, 1 टन के ऊपर मैं 8 आवर्स ले रहा हूँ और इसका रेट मैं लगा रहा हूँ 180। ये टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है और प्रोजेक्ट के हिसाब से भी चेंज हो सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट स्टील फिक्सर यूनिट और है, इसके 12 आवर्स ले रहा हूँ 1 टन के ऊपर और इसका रेट मैं कंसिडर कर रहा हूँ 150। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट हेल्पर्स, इसके भी यूनिट और हैं, 16 आवर ले रहा हूँ 1 टन पे और इसका रेट मैं 110 ले रहा हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब इनका टोटल कर लेंगे, तीनों को सम करेंगे, तीनों को सम करने के बाद टोटल अमाउंट 5,000 आ गई।
मैं साथ आपको बता देता हूँ जो मैन पावर का मैंने रेट लिया है 180, 150, 110, ये किस तरह आया है। जैसे कि 150 है स्टील फिक्सर का, स्टील फिक्सर जो है 1200 पर डे के हिसाब से ले रहा है। वन डे में 8 आवर्स होते हैं, डिवाइड 8 कर देंगे तो हमारा पर आवर जो है वो रेट आ जाएगा 150। 8 आवर्स को हम ड्यूटी टाइम जो है वो कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट के ऊपर। स्टील कटिंग मशीन, यूनिट है मेट्रिक टन। एक टन स्टील कटिंग करने पे जो इसका रेट है, ये टाइम और प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे 350 ले रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट जो है स्टील बाइंडिंग मशीन, मेट्रिक टन यूनिट, ये भी 1 टन के ऊपर 1 टन स्टील जो है बाइंड करेंगे। इसका मैं रेट ले रहा हूँ 250, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कैरेज जो है यूनिट मैट्रिक टन, 1 टन का कैरेज ले रहा हूँ, 1 टन का कैरेज 600 ले रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, ये अमाउंट आ जाएगी। अब तीनों को सम करेंगे, हमारा टोटल आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ जाएगी 600। कैरेज किस तरह आया है, टोटल व्हीकल टन डिवाइडेड टोटल कैरेज, ये हमारा पर टन जो है ये कैरेज 600 आ जाएगा। अब सब टोटल 2 करेंगे, सब टोटल 2 के लिए इक्विपमेंट प्लस मैन पावर को प्लस कर देंगे, ये हमारा सब टोटल 2 आ जाएगा। सब टोटल 2 6200। नेक्स्ट बात करते हैं सैंडरीज के ऊपर। सैंडरी जो है इक्विपमेंट और मैन पावर्स भी ली जाती हैं, ये 2-3% ली जाती हैं। यहाँ पे मैं 2% ले रहा हूँ। यह मैं आपको बता दूं, सैंडरीज मीन मिसलिनियस। मैन पावर्स और इक्विपमेंट के ऊपर जो सब टोटल आया है उसका 2% सैंडरीज में ले रहा हूं और इसकी अमाउंट आई है 124। यह आ गया सब टोटल 3 124। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे 1, 2, 3, तीनों को प्लस करेंगे जो सब टोटल्स आए हैं 1 मैट्रिक टन के ऊपर 1,21,169। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% में ले रहा हूँ और ओवरहेड चार्जेस जो है वो 5% ले रहा हूँ, दोनों को प्लस करेंगे तो 15%। अब जो हमारे पास ग्रैंड टोटल आया है उसका ये 15% होगा। अब हम ग्रैंड टोटल प्लस कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्जेस को प्लस करेंगे तो हमारी विदाउट टैक्स जो है ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हम इसमें इनकम टैक्स जो है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पे मैं 7.5% इनकम टैक्स ले रहा हूँ, ये टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है। जो हमारे पास टोटल अमाउंट विद आउट टैक्स आई है उसके ऊपर 7.5%। अब हम ग्रैंड टोटल करेंगे, टोटल विद आउट टैक्स प्लस इंक्लूडिंग टैक्स दोनों को प्लस किया तो हमारा ग्रैंड टोटल आ गया 1,49,795.18।
से प्राइम कॉस्ट फॉर 1 kg। अब 1 kg के ऊपर हम कॉस्ट निकालेंगे। ग्रैंड टोटल डिवाइडेड 1000, क्योंकि 1 टन में 1000 kg होते हैं, इसलिए डिवाइड 1000 किया तो हमारा पर kg जो है वो रेट आ गया। अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जो हमारा ग्रैंड टोटल आया था वो 1 टन का रेट आया था। फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।